आज मैं आपको इतना जबरदस्त घरेलू नुस्खा बताने वाली हूं जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को बना सकते हैं काफी लंबा और घना और मजबूत जी हाँ फ्रेंड्स सिर्फ आपको यहाँ पर दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए और आपके बाल इतने जड़ से मजबूत हो जाएंगे कि आपके बाल कभी झड़ेंगे ही नहीं बुढ़ापा आ जाएगा और आपके बाल नहीं गिरेंगे और आपके बुढ़ापे तक जो चोटी है वो लंबी रहेगी मोटी रहेगी क्योंकि जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं वो आपके बालों को मजबूती भी देगी साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ाएगी जैसे कि आप वीडियो में बा, लंबे बाल देख रहे हैं बिल्कुल आपको इसी तरीके के लंबे काले घने खूबसूरत बाल जो है मिलेंगे अगर आप लंबे बालों की ख्वाहिश रखते हैं अगर आप ऐसी कोई रेमेडी ढूंढ रहे हैं जिसमें तेल का इस्तेमाल ना हो और आपकी पतली चोटी काफी मोटी हो जाए वो भी कम समय में तो आप आज तरह ठीक है थीके? तो इस वीडियो को आपको देखना है पूरा और इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है उसको बताने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेमेडी यूजफुल लगे अच्छी लगे तो आपको करना है अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर जो बालों की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है समझ नहीं आ रहा क्या इस्तेमाल करें तो आपको करना है लाइक और शेयर ठीक है तो इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर जो चीजें चाहिए वो आपको कोई भी बर्तन ले लेना है गैस पे रख देना है गैस की फ्लेम को लो रखिए और उसमें ऐड कर दीजिए एक गिलास जो बड़ा गिलास आता है ना उसमें पानी ऐड कर दीजिए आप कोई सा भी पानी ले सकते हैं नॉर्मल वाटर फिल्टर वाला कोई सा भी और उसके बाद जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वो है अमरवेल अमर बेल की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है ये बालों को इतना खूबसूरत बना देती है इतना मजबूत बना देती है आप ये आपके बालों को अमर कर देती है जी हाँ फ्रेंड्स आप गूगल करके जो है देख सकते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं आपको ये ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगी या फिर आप किसी लोकल मार्केट में जो पंसारी की जो दुकानें होती जिस जिसपे आयुर्वेदिक सामान मिलता है उसके पास भी ये चीज मिल जाएगी ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पर यूज करी हूँ जटा मानसी जटा मानसी भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो वो मैंने यहाँ पर एक लिया है और आप इसको इस पानी में ऐड कर दीजिए ये दोनों चीजें बालों के लिए इतनी पावरफुल हैं कि अगर आपने ये दोनों ही चीजें अपने बालों में लगा ली तो आप यकीन मानिए कि आपके बाल जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे आपके बालों में किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं होगी जी हाँ फ्रेंड्स कोई भी कमी नहीं होगी बस आप ये सोचेंगे कि इस चीज के बारे में हमें क्यों नहीं पता था ठीक है आपको ये कम से कम दस मिनट तक तो बॉईल करना है जो एक गिलास जो आपने पानी ऐड किया है वो कम से कम आधे गिलास रह जाना चाहिए ठीक है तो अच्छे से बॉईल होने दें अगर आप तेज गैस पे इसको बनाते हैं तो आपकी रेमेडी अच्छे से बन नहीं पाएगी वर्क नहीं कर पाएगी ठीक है तो अच्छे से उबाल आने दीजिए अच्छे से बन जाने दीजिए और जब अच्छे से पानी आधा रह जाए अच्छे से उबल जाए तब आपको गैस को कर देना है बंद इतनी पावरफुल रेमेडी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और ये रेमेडी उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो बिल्कुल भी तेल लगाना पसंद नहीं करते लेकिन बाल खूबसूरत चाहते हैं ठीक है तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जी हाँ फ्रेंड्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आप पहले पेस्ट टेस्ट कर सकते हैं फिर उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें ठीक है आप देख सकते हैं पानी काफी कम रह गया है और जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप किसी बाउल में इसको छान लीजिए छनने की मदद से या फिर कपड़े की मदद से जैसे आप को ठीक लगे आप उस तरीके से इसको जो है पानी इसका अलग कर सकते हैं फिर आप इसको अपने बालों पे लगाना है आप चाहे तो इसमें इस आप चाहे तो कॉटन की मदद मतलब से आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी स्प्रे बॉटल जो खाली कोई भी बॉटल हो आप उसमें डाल के जो है आप अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इसेंशियल ऑयल है तो वो इसमें जरूर एड कीजिए मैं यहाँ पर इसेंशियल ऑयल जो एड कर रही हूँ वो है रोजमेरी का इससे हेयर ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होती है पांच बूंदे आपको बस मिला है और कुछ नहीं करना कोई ताम झाम नहीं है आप ये चीजें ऑनलाइन इजीली मंगा सकते हैं और आप अपने बालों में लगा सकते हैं सबसे अच्छी बात क्या है आप इसको ओवरनाइट लगा सकते हैं या फिर आप पूरे दिन भर के लिए भी इसको रख सकते हैं और इसको लगा के आप कहीं भी जा सकते हैं किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होती है बहुत अच्छे आपको जो है रिजल्ट मिलेंगे ट्रस्ट करिए मेरे पे और आप इस रेमेडी का जरूर से जरूर इस्तेमाल करके देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल ये रेमेडी है इसके इस्तेमाल से आपको काफी आ, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ओवरनाइट रख सकते हैं पूरे दिन रख सकते हैं उसके बाद जो है आप अपने बालों को हेयर वॉश कर दीजिए जो भी आपका जो फेवरेट शैम्पू है उससे आप अपने बालों को अच्छे से मसाज करके क्लीन कर लीजिए बालों में कमाल की चमक आएगी बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे पंद्रह दिन रेगुलर करके तो देखिए पंद्रह दिन के बाद आपको सोल्वे दिन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ट्रस्ट कीजिए और इस रेमेडी से अगर आपको फायदा मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि ये रेमेडी मैंने खुद इस्तेमाल की है आ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये रेमेडी वर्क करेगी ही करेगी और इस रेमेडी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाए और आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर भी कर दीजिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर